स्टार्टअप वर्कशॉप के तीसरे दिन आप सभी का फर्स्ट सेशन में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। पार्टनरशिप इस प्रोजेक्ट का बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है कहना चाहिए, और ये बिगनिंग से लेके एंड तक जितनी भी टाइप की एक्टिविटीज इन्वॉल्व है इसमें, उसमें पार्टनरशिप का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। पार्टनरशिप प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले मैं जस्ट थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहूंगा कि स्टेट में आईफेट के दो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुए, उसमें भी हमें पार्टनरशिप में बहुत ज्यादा लर्निंग्स मिली और बहुत ज्यादा लोगों को उसमें, कई लोगों को एक्सपेक्टेशंस थी वो उनकी फुलफिल भी हुई। यूलिप में जो प्रोजेक्ट आईफेट का था उसमें करीब 20 से 22 पार्टनर्स थे उस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने में। उसके बाद आईएलएसपी आया तो आईएलएसपी में बहुत ज्यादा पार्टनर्स हुए उस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए, या उस आईएलएसपी के सक्सेसफुल ट्रैक में बहुत लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन किया। और मैं अगर संख्या की बात करूं तो 52 ऑर्गेनाइजेशन से ज्यादा उसमें इन्वॉल्व हुए, और इसके बाद अलावा कुछ इंडिविजुअल कंसल्टेंट्स, और सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट्स का मैं बात करूं आईएलएसपी की, कि आज हम उसको रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मैं आईफेड टीम और जो हमारे सारे डिस्ट्रिक्ट टीम बैठे हुए हैं इनको एक चीज बताना चाहूंगा कि आईएलएसपी प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा इंटर्न्स आए थे और वो इंटर्न्स ने आईएलएसपी प्रोजेक्ट्स में काम किया। इंटर्न्स टाटा सोशल साइंस इंस्टीट्यूट के भी थे, टेरी के भी थे, एक कैंडिडेट फ्रांस से आई थी वो लॉरा, उसने भी हमारे प्रोजेक्ट्स में काम किया, और उन लोगों ने प्रोजेक्ट्स में काम करके हमारी जो फेडरेशन थी, ग्रुप्स थे, और काम करके वो आज ऐसे प्लेटफॉर्म पे हैं कई लोग कि उन्होंने प्रोजेक्ट को अभी तक छोड़ा नहीं है, लेकिन वो प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल में सबसे पहला जो इंटर्न था मिस्टर अर्जुन शंकर, जो फॉर्मर सीएस थे उत्तराखंड के, उनके लड़के हैं, उन्होंने यूएसए से एग्री बिजनेस में एमबीए किया था और वो आईएलएसपी प्रोजेक्ट में 2 साल इंगेज रहे, और उन्होंने फेडरेशन के एग्री बिजनेस प्लान को रिफाइन करने में, उसका टेम्पलेट डिजाइन करने में, उनको कैपेसिटी बिल्ड करने में काफी उनका योगदान रहा। आज वो वर्ल्ड बैंक में और बंगलौर में इंडिया के कई पॉलिसी मेकर के संग काम करते हैं, और वो कई पॉलिसीज में काम करते हैं, यहाँ की लर्निंग्स हैं। इसके अलावा एक अरुणिमा थी, वो टेरी की स्टूडेंट थी, उसने 2 साल यहाँ काम किया प्रोजेक्ट्स में और डिटेल में जाके फील्ड में काम किया। उसके बाद आज वो यूके में है, और जो उसने लर्निंग यहाँ के हमारे सीबीओ से और जो लवलीवुड इंटरवेंशन से ली है उसको वहां पर पॉलिसी के लिए काम कर रही है। इसके बाद अब रीप आया, तो रीप में बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं लोगों की। मैं जस्ट फ्यू वर्ड्स में शेयर करना चाहूंगा कि लाइन डिपार्टमेंट्स क्या सोच रहे हैं रीप के बारे में। जब रीप लॉन्च हुआ या आ रहा था, जब डिजाइन हो रहा था, उसके बाद से लाइन डिपार्टमेंट्स को बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हुई। फील्ड में जाएंगे तो कम्युनिटी के लोग हैं उनको बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हुई, और मैं देख रहा हूं कि देहरादून में करीब 12 से 15 एग्रीकल्चर कॉलेज हैं जिसमें यूनिवर्सिटीज भी हैं, ग्राफिक राय है, श्री गुरु राम राय है, डॉल्फिन है, और सरदार भगवान सिंह के ये हैं, इनके वाइस चांसलर रेगुलर हमारे टच में रहते हैं। वो इसलिए कि जो उनका स्टूडेंट्स वहाँ तैयार हो रहे हैं एग्रीकल्चर लाइफ स्टॉक उस फील्ड में, तो एक रीप को अलग एंगल से देख रहे हैं वो लोग, एक प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा इंटर्नशिप से, और तीसरा लर्निंग से लेके। तो ये एक उनका भी बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन इस रीप प्रोजेक्ट से हो रहा है। इसके अलावा कुछ स्टार्टअप्स हैं और जो मार्केट में आउटलेट्स हैं
और जो कई प्रोसेसर्स हैं वो भी रिक्वेस्ट से देख रहे हैं कि इनके पास कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है, फील्ड है, ग्राउंड है, तो हमको इनके कुछ रेडी प्रोडक्ट्स मिलेंगे मार्केट करने के लिए, कुछ बल्क में मटेरियल्स मिलेगा जिसको कि हम वैल्यू ऐड करके सेल कर सकेंगे। और हमें स्टार्टअप्स वाले तो ये भी सोच रहे हैं कि सर अगर हमारे को रीप के ऑर्गेनाइजेशन से काम करने का अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम लोग वेरियस एस्पेक्ट्स पे इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज पे, इनोवेटिव मॉडल्स पे काम कर सकते हैं उनके साथ। इसके अलावा अगर आप ट्रांसपोर्ट और या होटल एजेंसी सुनेंगे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल फील्ड लेवल में है, मेरी भी कई ट्रांसपोर्टर से बात हुई, वो फोन करते हैं सर क्या प्रोजेक्ट एलएसपी बंद हो गया, रीप कब शुरू हो रहा है, हमारे को महिलाओं को ट्रेनिंग के लिए ले जाना पड़ता था तो हमारी टैक्सी बुक्स हो जाती थी, तो उसमें काफी अच्छी हमारी हो जाती, हमारी एंगेजमेंट रहता था ट्रेनिंग्स वगैरह में ले जाने में क्रॉस विजिट्स में। होटल्स वाले भी लोग सर आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम कब हो रहा है, चाहे गढ़वाल मंडल के हों, चाहे कुमाऊं मंडल के हों, चाहे कोई हो, तो एक सबको बिजनेस था और विन विन सिचुएशन के ऊपर काम कर रहे थे। तो ये रीप के लिए भी बहुत ज्यादा हो रहा है। आप कई, और सबसे बड़ी बात मैं बता रहा हूं आपको, जो हमारे मंत्रीगण है, रीप शुरू भी नहीं हुआ तब से कई मंत्री इसमें लगे हुए थे कि सर वो प्रोजेक्ट कब शुरू हो रहा है और हमारे क्षेत्र के लिए क्या स्कीम है, हम कम्युनिटी को क्या बताएंगे, हमारे लिए भी, हमारे क्षेत्र को भी ज्यादा शामिल करिए आप उसमें। और जब ये रीप डिजाइन हुआ कि पूरे स्टेट्स के लिए है, 30 डिस्ट्रिक्ट्स है, 95 ब्लॉक्स में है और इसमें बहुत कुछ करने को है, तो सभी लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं और सब लोग किसी ना किसी रूप में जुड़ना चाहते हैं। डे बिफोर यस्टरडे मनमोहन भारद्वाज जी आए थे, ये मशरूम के बहुत अच्छा काम करते हैं, इन्होंने कहा सर मेरे पास 30 यूनिट्स है और मैं कई डिपार्टमेंट को अप्रोच कर चुका हूं कि मेरी यूनिट्स को लगा दीजिए मशरूम हट्स को, मैं उनको टेक्नोलॉजी भी दूंगा, इनपुट भी दूंगा और बायबैक भी करूंगा मटेरियल्स। उन्होंने कहा रीप में मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है कि आपके कम्युनिटी के साथ मैं ये अपनी यूनिट्स एस्टैब्लिश कर सकता हूं, जबकि वो फ्री में नहीं दे रहे लेकिन कुछ दे रहे हैं, कुछ चार्ज करेंगे और उसका मार्केट टाइप पूरा प्रोवाइड करेंगे। इस तरह से कई ऑर्गेनाइजेशन जो कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, चाहे एटीआई हो गया, चाहे वेरियस जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनको भी काफी एक्सपेक्टेशन है रीप में के संग जुड़ने से, काम करने के लिए भी, छोटे छोटे काम करने के लिए। एलएसपी में करीब 52 ऑर्गेनाइजेशन ने काम किया, उसके अलावा जो मैंने बताया, इसके अलावा जो हमारा इनोवेशन में का कंपोनेंट था उसमें करीब स्मॉल ग्रांट, चैलेंज फंड, डिजास्टर अफेक्टेड एरियाज के और लाइन डिपार्टमेंट्स के प्रोजेक्ट्स हुए, जिसके बाद करीब 97 प्रपोजल्स हम लोग ने रिसीव किए थे, सबमिट आए थे हमारे पास। और उसमें क्या था कि एक भी ऐसा नहीं था कि इनोवेटिव हो, यानी जब उस प्रपोजल्स को रिजेक्ट किया गया, मैं आज की बात बता रहा हूं, वो ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ऐसे इनोवेटिव आइडियाज लेके और उनको इम्प्रूवमेंट करके तैयार है रीप के संग काम करने के लिए कि सर वो जो आप पिछली बार रिजेक्ट हो गए तो वो हम कुछ नहीं कर रहे, नई चीजें करेंगे और नई चीजें में हम लोग ने पायलटिंग कर ली है, ये कर ली है और ये चीजें। तो इस तरह से रीप के लिए वो केवी केस हमको अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि केवी केस के पास एक कैलेंडर होता है ट्रेनिंग्स करने का, चाहे वो वेजिटेबल्स हो, चाहे डेयरी हो, चाहे कुछ हो, उनका एक एनुअल कैलेंडर होता है और फ्रंटलाइन डेमोस्ट्रेशन होते हैं नई क्रॉप्स को, नई एक्टिविटीज को करने के लिए। वो अप्रोच करते हैं कि सर कब शुरू हो रहा है, कब आप हमें ग्रुप या फेडरेशन और उनसे लिंक करेंगे जिनको कि हम वहां पर लेके अपनी एक्टिविटीज को कर लेंगे। तीसरी चीज कि डिस्ट्रिक्ट में या किसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में या कहीं प्रोग्राम हो रहा है तो महिलाओं की भीड़, जो फार्मर्स चाहिए उनको सिखाने के लिए, विजिट कराने के लिए, तो सब रीप और एलएसपी के ऊपर डिपेंड कि टोटली कौन वुमेन फार्मर्स है, कहां से क्या आएंगे, इसके आधार पर ये जो रीप है इसमें सभी पार्टनर्स के लिए, किसी भी लेवल का पार्टनर्स है उसके लिए ओपन स्पेस है। और इस प्रेजेंटेशन को मैं
प्रेजेंट करूंगा तो उसमें बहुत चीजें आएंगी और कुछ लोग तो जानते भी होंगे, कुछ लोग अपना और ब्रेन यूज करेंगे कि कैसे कैसे लेवल के पार्टनर्स हो सकते हैं, कौन कौन से पार्टनर्स हो सकते हैं इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। इस प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करने के लिए थोड़ा सा मैं इंटरेक्टिव करना चाहूंगा, सारे ऑडियंस बैठे हुए हैं, मैं पूछना चाहूंगा पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। प्लीज बैक साइड से बताना शुरू करें, पार्टनरशिप मीन्स क्या है, क्या समझते हैं पार्टनरशिप से, और ये वर्ड पार्टनरशिप आया क्यों है। पार्टनरशिप का मतलब सब में बात होती है कि पार्टनरशिप पार्टनरशिप पार्टनरशिप, बताएगा कोई पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप की मीनिंग एक नहीं हो सकती, हर एक एंगल से हर एक एक्टिविटी से अलग अलग हो सकती है। प्लीज कोई बताए पार्टनरशिप। हाँ यस प्लीज, थैंक यू सो मच। एक जो बेसिक फीचर है कॉमन मुझे लगता है उसमें ये है कि जो लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं वो म्यूचुअली दोनों के लिए बेनिफिशियल होती है, दोनों का उसमें कुछ ना कुछ स्टेक होता है, तभी वो पार्टनरशिप हो सकती है किसी भी फॉर्म में। तो वो सबसे बड़ा फीचर मुझे उसमें यही लगता है कि म्यूचुअली बेनिफिशियल कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसको पूरा करने के लिए वो लोग वो ग्रुप्स एक दूसरे के साथ हैंड्स मिलाते हैं, दैट इज पार्टनरशिप विच आई अंडरस्टैंड। Thank you. Or by partnership in term of business, it is a an agreement between two people that we would be sharing whether there's a profit or there's a loss, we would be sharing it equally. That means we would be jointly undertaking this venture and will carry on the work for our benefit. ठीक है, thank you. Or by please, हाँ बताइए sir. शुरू के दिन सर, सभी को मेरा प्रणाम। शुरू के दिन सर वो एक जो खरगोश और वो कछुआ का जो कहानी सुनाया था वो भी एक तरह से जो लास्ट और चौथे पांचवें दौर में जब वो दौड़ कर रहे थे तो उनको अपने अपने खासियत का और अपने अपने कमियों का भी पता चल चुका था, तो वो भी एक तरह से पार्टनरशिप ही थी। और हमारे तो जैसे गढ़वाल में या कहीं पर भी जैसे शादियाँ होती हैं तो लड़का लड़की की भी जब शादी होती है वो भी एक तरह से पार्टनरशिप है, मतलब वो दो हितभागी या दो पार्टनर जहाँ पे एक उद्देश्य को लेके दोनों काम करें और उस उद्देश्य की तरफ बढ़े और उसको एक तरह से अचीव भी करें, तो वो भी एक तरह से पार्टनरशिप है। ठीक है, और कोई प्लीज। सर जहाँ तक मैं अपने सामान्य ज्ञान समझ पा रहा हूँ पार्टनरशिप का मतलब होता है कलेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल अराउंड, वो पार्टनरशिप दो लोगों के साथ के बीच में भी हो सकती है, मल्टीपल पीपल के बीच हो सकती है, वो अपने सारे रिसोर्सेज चाहे वो नॉलेज हो चाहे एक्सपीरियंस हो चाहे फंड्स हो उन सब का कलेक्टिव यूटिलाइजेशन फॉर द बेटरमेंट ऑफ देमसेल्व्स एंड द सोसाइटी सर, बट दिस इज मेरी दिस माय नॉलेज फॉर दिस। ठीक है, थैंक यू। और प्लीज। हाँ पार्टनरशिप इज अ वेरी इनिशियल स्टेज कि वी हैव स्टार्टेड अ बिजनेस टू बिकम अ जॉइंट वेंचर एज अ प्राइवेट लिमिटेड टू, तो इट इज अ बेसिक इनिशिएटिव टू स्टार्ट एज अ पार्टनरशिप एज अ स्मॉल बिजनेस ओनर्स। और प्लीज ऑफ द कैपिटल डेफिनेशन। यस चलिए, थैंक यू। अब आगे बढ़ाते हैं, सबने अपने अपने व्यूज दिए। देखिए अगर मैं थोड़ा सा एड ऑन कर रहा हूं आप लोगों ने कि जहां भी जिस एरिया में हम काम कर रहे हैं या जिस इसमें तो देयर इज ए प्रॉब्लम है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है, और जहां प्रॉब्लम होती है तो वहां क्या होती है, अपॉर्चुनिटी होती है, बिना प्रॉब्लम के अपॉर्चुनिटी नहीं आती, और जब अपॉर्चुनिटी आएगी तो वहां नीड होगी, और नीड उसकी भी होगी जिसके लिए प्रॉब्लम है और जो उसको एड्रेस कर रहा है उसके लिए भी नीड है। तो दो तरीके से नीड को के बीच में एक बॉन्ड है जिसमें दोनों का म्यूचुअल बेनिफिट्स होता है,
और एक विन विन सिचुएशन होता है जिसको कि हम यहाँ प्रोजेक्ट में लेके जा रहे हैं और हम देखेंगे कि रीप के एंगल से कि हमें पार्टनरशिप क्या है। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। व्हाई पार्टनरशिप, हम रीप में पार्टनरशिप की बात क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग मार्केट लेड प्रोडक्शन को फोकस कर रहे हैं, वैल्यू चेन बेस्ड काम कर रहे हैं। तो जो वैल्यू चेन बेस्ड काम करेंगे तो डिफरेंट लेवल्स पे हमको पार्टनर्स चाहिए। सीबीओस बनाए हैं हमने, चाहे ग्रुप्स बनाए हैं, चाहे वीओ बनाए हैं, चाहे सीएलएम बनाए हैं, और आईपीओ भी कन्वर्ट होंगे। उनको स्ट्रेंथन करने के लिए, उनको बिजनेस करने के लिए हमको पार्टनर्स चाहिए। और इनपुट्स, नॉलेज, सप्लाई, ये तीन इंपॉर्टेंट चीज है कि किसी भी काम को करने के लिए इनपुट्स चाहिए, क्वालिटी का टाइमली चाहिए, नॉलेज चाहिए उसके संग, और सप्लाई टाइमली और इफिशियंटली चाहिए। मार्केट आउटलेट्स, जो भी हम काम कर रहे हैं उसके लिए मार्केट्स सबसे पहले चाहिए। अगर मार्केट्स नहीं होगा और मार्केट्स के वेरिएंट्स नहीं होंगे हमारे पास, तो लोग इंटरेस्ट नहीं करेंगे, कम्युनिटी इंटरेस्ट नहीं लेगी और हमारा सप्लाई चेन ब्रेक हो जाएगा। ये पार्टनरशिप। दूसरा है कि हम फार्मर्स को बिजनेसमैन नहीं बना सकते। ये बहुत अच्छी बात है कि हम फार्मर्स को बिजनेसमैन नहीं बना सकते। बिजनेसमैन का, व्यापारी का दृष्टिकोण, विजन और काम करने का तरीका अलग होता है। फार्मर्स केवल अपने प्रोडक्शन से और जो प्रोडक्शन से लेवल की फर्स्ट लेवल तक की जो आइडेंटिटी एक्सरसाइज होती है वहां तक काम कर सकता है और उसको वहीं तक रहने दें। अगर हम ये भी चाहें कि फार्मर्स ग्रो भी करें, प्रोसेसिंग भी करें, प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी करें, मार्केटिंग भी करें, तो ये बहुत टिपिकल काम है। नेक्स्ट है बायर्स पार्टनरशिप फॉर बेटर प्राइस। हम ये देख रहे हैं कि जो बायर्स के संग हमारी पार्टनर डिफरेंट टाइप के बायर्स हैं और बेटर प्राइस के लिए, इन सब से लेंगे मोटिवेशन टू फार्मर्स। कि अगर ये सब चीजें रहेंगी तो फार्मर्स को मोटिवेशन सपोर्ट मिलेगा और वह एक्टिविटी को आप स्केलिंग करेगा और उसको आगे बढ़ाएगा। नेक्स्ट प्लीज। पार्टनरशिप का जो हम देखते हैं रीप में ऑब्जेक्टिव्स क्या है, स्ट्रेंथनिंग ऑफ पीजी, सीएलएफ एंड एफपीओस। जो सीबीओस की बात हो रही थी कि जो हमारे पीजीज बने हैं, क्लस्टर लेवल फेडरेशन और एफपीओस बना रहे हैं वैल्यू चेन, इसको स्ट्रेंथन करने के लिए सस्टेनेबिलिटी ऑफ पीजी, सीएलएफ, एफपीओस, इनकी सस्टेनेबिलिटी के लिए वैल्यू चेन बेस्ड बिजनेस और एफपीओस। जो वैल्यू चेन आधारित हम बिजनेस कर रहे हैं हमारे एफपीओ, उनके कन्वर्जन सपोर्ट, मार्केट लिंकेजेस, बैंक लिंकेजेस, फाइनेंशियल वायबिलिटी सपोर्ट, एंड लास्ट में जो है इन सब से लिंक्ड है बिजनेस डेवलपमेंट, सस्टेनेबिलिटी। इनके लिए हमको पार्टनरशिप चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। अब अप्रोच फॉर पार्टनरशिप, जो हम प्रोजेक्ट में क्या देख रहे हैं, किस अप्रोच से काम करें पार्टनरशिप के लिए, हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव ये अप्रोच कि स्ट्रेंथनिंग ऑफ लिंकेज बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड बायर्स थ्रू प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट, थ्रू टेक्निकल एडवाइजरी एंड थ्रू बिजनेस डेवलपमेंट। ये तीन चीज को करते हुए हमने सोचा कि पार्टनरशिप में मेन रहेगा। इसके बाद हॉरिजेंटल अलायंसेस अमंग स्मॉल फार्मर्स टू प्रोड्यूस एंड सेल। जो हमारे स्मॉल फार्मर्स हैं, छोटे फार्मर्स हैं, उनको अलायंस करें हॉरिजेंटली और उनको इतना प्रोड्यूस करें और सेल करने के लिए मोटिवेट करें। वर्टिकल अलायंस बिटवीन ग्रुप्स ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड वन और मोर बायर्स फॉर मेकिंग वायबल ए स्पेसिफिक कम्युनिटी विच कैन बी पार्ट ऑफ ए वैल्यू चेन। वर्टिकल अलायंस में क्या है, ग्रुप्स ऑफ प्रोड्यूसर्स हैं, उनको वन और टू बायर्स से जोड़ते हुए स्पेसिफिक कम्युनिटी, जो हमारे स्टेट में सभी तो वैल्यू चेन का पार्ट नहीं है लेकिन कुछ हैं, ऐसी कम्युनिटीज भी हैं जिनके कहीं कहीं ग्रुप्स होंगे और जो हमारी वैल्यू चेन है उसमें इनको पार्ट बने
नेक्स्ट प्लीज. इंडिविजुअल फार्मर्स एंड स्मॉल फार्मर्स एंड वाइस वर्सा, इट इज डिफिकल्ट टू कम्पीट इन ए मार्केट डोमिनेटेड बाय द इंटरमीडिएटरीज एंड स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पावर ऑफ द बायर्स. जो इंडिविजुअल फार्मर्स है और स्मॉल एंड माइक्रो फार्मर्स है, इनका क्या है कि जो इंटरमीडिएटरीज होते हैं मार्केट्स में, जो डोमिनेंसी है उनकी, उनसे वो कम्पीट नहीं कर सकते उनको, और जो बायर्स की बार्गेनिंग पावर है उससे नहीं कर सकते. तो इसके लिए हमें पार्टनरशिप की जरूरत है. टू इंक्लूड ग्रुप ऑफ फार्मर्स इन ए प्रोडक्टिव पार्टनरशिप वेयर बाई दे कुड पार्टिसिपेट इन ए वैल्यू चेन बाय इंप्रूविंग देयर प्रोडक्शन वॉल्यूम्स ऑफ ए स्पेसिफिक क्वांटिटी नीडेड बाय द मार्केट एंड वुड बी एबल टू रेस्पॉन्ड द मार्केट डिमांड. पार्टनरशिप हमें इसलिए चाहिए कि देखिए यहां पर ट्रेडिशनल क्रॉप बहुत चीजें हो रही है, रीप में हम लोग बहुत अलग सोच रहे हैं. जो इसका एक कंपोनेंट है लाइवलीहुड डाइवर्सिफिकेशन, उसमें क्या है नई नई चीजें जो मार्केट में डिमांड है जिन चीजों की, उन चीजों को, उन डिमांड को हम जो 560,000 हाउस होल्ड के संग काम कर रहे हैं उनके थ्रू उनको प्रोड्यूस कराना, प्रोड्यूस करा के उसको एग्रीगेट करना, वैल्यू एडिशन करना, देन मार्केट से लिंक करना. तो पहले मार्केट को देखना है कि जो उत्तराखंड में बहुत चीजें ऐसी होती है, हम बात करते हैं कि वो उसका मार्केट इतना नहीं है, सर्टेन लेवल तक है. तो इसमें बहुत नई नई चीजें आई हैं, बहुत नई नई वैरायटी आई है जो मार्केट में डिमांड है उनकी, उनको इंट्रोड्यूस करना. नेक्स्ट प्लीज. अब हम यहां पर जो बात कर रहे हैं रीप में प्रोडक्टिव पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं कि जो रीप में जो हम पार्टनरशिप सोच रहे हैं ये प्रोडक्टिव पार्टनरशिप के बारे में सोच रहे हैं, ना कि जनरल पार्टनरशिप के बारे में सोच रहे हैं. और ये प्लान है कि प्रोडक्टिव पार्टनरशिप होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, चाहे वैल्यू चेन को के लिए हो, चाहे सीबीओस को स्ट्रेंथन करने के लिए हो, किसी प्रोडक्टिव पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं. तो इसमें हमने जो एक क्राइटेरिया है वो ये है, टेक्निकल सुटेबिलिटी ऑफ सच ए एबिलिटी टू ग्रो मार्केटेबल सरप्लस वॉल्यूम और स्पेसिफाइड क्वालिटी इन ए कॉम्पैक्ट एरिया. हम क्लस्टर अप्रोच में काम कर रहे हैं तो हमारा क्वालिटी का प्रोड्यूस निकलना चाहिए जिससे कि मार्केट टाई अप्स हो और उनको जो पार्टनर हो वो टेक्निकली गाइड करे और बिल्कुल उनको हैंड होल्डिंग सपोर्टिंग सक्षम भी बनाए. ये नहीं केवल टेक्निकली दे दी, जब तक उनके साथ टाई अप है उनको भी दर्शन करे, उनको भी कैपेबल करे, उनका भी अप्रूवमेंट करे. कैपेसिटी ऑफ द पार्टनर, पार्टनर की कैपेसिटी क्या है इसको भी असेस करना बहुत जरूरी है कि हम ऐसा पार्टनर ला रहे हैं जो हमको चाहिए अपनी नीड्स या कम्युनिटी के नीड्स को फुलफिल करने के लिए, उसकी कैपेसिटी क्या है, मार्केट लिंकेज क्या है उसका, मार्केट लिंकेज का उसका पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, या कितने बायर्स हैं, या खुद वो बायर है. सोशल डायनेमिक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो है सोशल इंटरप्राइज भी के बारे में सोच रहे हैं. जैसे इंडिया में एक दो एग्जांपल बहुत अच्छे हैं सोशल एंटरप्राइज के, सीड प्रोडक्शन, जितनी सीड कंपनीज हैं, जैसे कि उत्तराखंड में USNTDC है, ये सोशल एंटरप्राइज का बहुत बढ़िया एग्जांपल है. फार्मर्स ग्रो करते हैं अपने अपने एरिया में, वो इंटेक करती है, उसका प्रोसेसिंग प्लांट है, सीड तैयार करती है, वापस उन्हीं को देती है और उनको स्टेक होल्डरशिप बना रखी है. फाइनेंशियल एबिलिटी. नेक्स्ट एनवायरमेंटल एस्पेक्ट सच एज क्लाइमेट एफिशिएंट प्रोडक्शन मेथड, जो आजकल हम बात कर रहे हैं कि CSA और जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो इंटरनेशनल ट्रेंड्स क्या है क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस का, उसको कंसिडर करने में, उसको एड्रेस करने में सक्षम हो. नेक्स्ट प्लीज. इसके बाद है स्कोप ऑफ पार्टनरशिप इन रीप, ये पहले मैंने बता दिया है लेकिन कुछ और डिटेलिंग करने की कोशिश की है. सीबीओस फॉर्मेशन एंड स्ट्रेंथनिंग प्रोडक्शन के लिए, प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन के लिए, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड अपस्केलिंग, मार्केटिंग, FIS लिंकेजेस, कन्वर्जेंस, अपस्केलिंग, इन चीजों करने, हैंड होल्डिंग सपोर्ट, नॉलेज मैनेजमेंट और लास्ट में बिजनेस डेवलपमेंट. नहीं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन.
तो बिजनेस डेवलपमेंट इनको के लिए नेक्स्ट प्लीज। अपॉर्चुनिटीज क्या है कि हम पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, तो ये जस्ट मैंने एग्जांपल लिए हैं, तो इसकी कौन रीप में जो हमारी एक्टिविटीज हैं, जो इंटरवेंशन है उसमें किस तरह के लोग शामिल हो सकते हैं एज एन इनपुट सप्लायर, एज ए सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर बहुत बड़ा ग्रुप है। एज एन एंटरप्राइज पार्टनर, जो हमारे एंटरप्राइज लग रहे हैं चाहे इंडिविजुअल लेवल पे प्राइवेट लेवल पे उसपे, एज ए बिजनेस पार्टनर, एज ए सपोर्ट सर्विस प्रोवाइडर जो कि कहीं लॉजिस्टिक का है, कहीं पैकेजिंग उस मेटेरियल्स का है, कहीं बिजनेस प्लान बनाना है, इस तरह की चीजें। और एज एन एंटरप्रेन्योर कि अगर कोई एंटरप्रेन्योर है, जैसे कल कई लोग आए थे कीवी के हेड आए थे सीईओ, और वो भी इंटरेस्ट शो कर रहे हैं कि हम रीप के संग मिलकर कुछ काम करें। नेक्स्ट प्लीज। प्रोसेस क्या है कि हम कैसे करेंगे इन सब चीजों को। मार्केट प्लेयर्स आइडेंटिफिकेशन स्टडी जो हमने प्लान किया है कि इन सब के लिए कुछ न्यू स्टार्टअप्स होंगे, स्मॉल कंपनीज बायर्स। ये स्मॉल कंपनीज बायर्स इसलिए रखा गया है कि कोई बड़ी कंपनीज नहीं आएगी, हमारे पास इतना वॉल्यूम नहीं है अभी स्टार्टिंग में नहीं होगा, और इतना नहीं होगा तो हम छोटी छोटी कंपनीज हैं, और जो छोटे छोटे हमारे प्रोड्यूस होते हैं क्रॉप बेस्ड, उनको टाई अप्स करने के लिए हम खुद अप्रोच टू बायर्स, वन टू वन अप्रोच करेंगे बायर से, प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे एनालिसिस करके। क्योंकि जनरली क्या होता है कि बड़ी बड़ी मीटिंग्स तो होती हैं, बहुत बहुत बायर्स भी आते हैं, और वो बड़ी मीटिंग्स में अपना डिजायर्ड जो हमको चाहिए वो मिल नहीं पाता, तो वेस्ट है कि वो उनका वेट ना करें, हम पहले से ही एक एक कंपनीज को एक एक बायर्स के पास अप्रोच करके एक प्लेटफॉर्म तैयार करें। मार्केट एनालिसिस कि मार्केट क्या कहती है, कौन सी क्रॉप्स है। सिटी सर से मेरा डिस्कशन हो रहा था, सिटी सर ने काफी अच्छे वैल्यूबल इनपुट्स दिए कि जब हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन लाइवलीहुड डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो हम क्यों ना पर यूनिट एरिया में जो अच्छा रिटर्न देती है उन क्रॉप्स को पायलटिंग करके उसका रेप्लिकेशन या आगे करें, तो बहुत तो जिसकी मार्केट में डिमांड भी है तो ऐसी क्रॉप्स को करें। क्या हो रहा है उत्तराखंड में अगर आप देखें, फार्मिंग में यंगर मास का इंटरेस्ट नहीं है, ओल्डर एज पीपुल हैं वो करते हैं फार्मिंग, लैंड बेकार होती जा रही है, बढ़ता जा रहा है अनकल्टिवेटेड एरिया बढ़ता जा रहा है, तो रीप के माध्यम से हमको ऐसे पैकेज, ऐसी एक्टिविटीज, ऐसे इंटरवेंशन पायलटिंग करनी है कि जिसमें कि यंगर मास या यूथ का भी इन्वॉल्वमेंट हो, वो उसका पार्ट बने और वो फार्मिंग में इंटरेस्ट ले, वैल्यू चेन का पार्ट बने, देन फैसिलिटेशन फॉर प्रोसेसिंग। ये बहुत बड़ा है क्योंकि जितने भी बायर्स आते हैं अभी कई उत्तराखंड में भी प्रोसेसिंग यूनिट खुल रही है, काशीपुर में हिमालयन फूड पार्क बना है, बहुत बड़ा बना है, उनकी मांग टन्स में है। यहां पर सेलाकोई में भी दो तीन प्रोसेसिंग यूनिट्स लग रही हैं, वो भी रीप को देख रहे हैं और उनके ग्रुप्स को जोड़ने की बात कर रहे हैं क्योंकि ये बल्क में मेटेरियल मिल जाएगा, लेकिन उन लोगों के अलग है कि सर मार्केट में अगर ये वैरायटी आप ग्रो करेंगे, ये वैरायटी की डिमांड है, अगर ये मिलेगा तो ज्यादा फायदा होगा फार्मर्स को भी और मार्केट में सेल करने में। नेक्स्ट प्लीज। इससे बैकपैक पार्टनरशिप विद लार्ज बायर्स, लार्ज इंस्टीट्यूशंस कि कुछ वैल्यू चेन्स में हमारे पास टर्म्स में टनेज में होगा, जैसे पोटैटो है, टोमेटो है, पीज है, तो इनको, और जैसे कि हमारा टर्मेरिक है, गार्लिक है, जिंजर है, खीरा भी है, इस तरह की चीजें हैं जिनको कि लार्ज बायर उसकी कोलोकेसिया भी है, यस वो है। अप्रोच टू स्टाफ ऑफ लार्ज बायर्स, उनके अप्रोच करना और उनको बुला के लाना कि आप हमारे वहां चल के देखिए रीप में क्या ग्राउंड है तैयार आपके संग बिजनेस करने के लिए।
उसकी स्टडी करना, उसका एनालिसिस करना, रीच आउट वन टू वन एंड मीटिंग विद बायर्स, मार्केट एनालिसिस, स्पेसिफिक प्रोसेसिंग, मल्टी फ्लोरा पार्टनरशिप। हम जो फोकस कर रहे हैं वो मल्टी फ्लोरा पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, जो इनपुट्स भी प्रोवाइड करें और इनपुट्स के साथ वो हमको नॉलेज और सारी टेक्नोलॉजी भी दे और वो मटेरियल्स को बाय बैक भी करे और उसको बिकवाने में हेल्प भी करे। कई बार क्या होता है कि इनपुट सप्लायर इनपुट्स तो देते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं कि कैसे लगाना है, कब लगाना है, क्या लगाना है। आज मार्केट में इतना चेंजेस, उसके एडवांसमेंट है कि कोई भी क्रॉप की वैरायटी, पहले ये होता था कि पहाड़ की अलग है, प्लेन की अलग है, ऐसा नहीं है। आजकल वाइड एडेप्टेबिलिटी एक टर्म है जिसमें जितनी भी कंपनीज सीड तैयार कर रही है, वैरायटी डेवलप कर रही है, काफी रेंज है उनको ग्रो करने के लिए। पार्टनरशिप पे फोकस पे ले आओ। ठीक है सर, ओके सर, ठीक है, ठीक है, मल्टी फ्लोरा पार्टनरशिप, इनपुट्स, नॉलेज, बायर्स तक का ये था। नेक्स्ट, ये हमारी वैल्यू चेन स्टेट्स की, ये इसलिए स्लाइड यहाँ पे दिया है कि हम लोग जो और डिस्ट्रिक्ट की भी वैल्यू चेन है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की, चाहे वो एमएसएमई की है, चाहे कृषि विभाग की है, चाहे हॉर्टिकल्चर की है, तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, वन डिस्ट्रिक्ट टू प्रोडक्ट है, और रीप में हम क्या प्लान कर रहे हैं। तो ये कि ओवरव्यू है कि कौन सी वैल्यू चेन कहाँ कहाँ डिस्ट्रिक्ट में है। सर वो इसलिए कि पोटैटो का जो ज्यादातर एरिया है उधम सिंह नगर और उसमें यूएस नगर में, लेकिन जो ऑफ सीजन वाली बात है वो, लिसन, वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ ऑफ सीजन, वैल्यू चेन मींस यू आर अ डिपेंडेबल सप्लायर थ्रू आउट द ईयर, राइट, एंड वी हैव ऑलवेज सेड उत्तराखंड और एनी हिल स्टेट एडवांटेज इज it can, it will produce in the plains in one season and in the river season it will produce in the hills, right sir, there will be a regular supply. So if potato, tomato, you are removing that, why it should not be done? Because you in winters hills cannot supply, so you should also be supplying. Agreed sir. Jo ye value chain ka jo मैट्रिक्स तैयार कीजिए, लाइन डिपार्टमेंट ने भी हरिद्वार और उसमें नहीं रखा है इसी चीजों को, किसी डिपार्टमेंट ने नहीं रखा, तो इसको ये किया गया कि जो आपके डिस्ट्रिक्ट में कॉमन है इसके संग, जो रीप के संग, यस, सीजन अलग अलग है, टाइम का वेरिएशन है, जो उन डिपार्टमेंट के संग बैठ के एक्सरसाइज कीजिए सारे डिपार्टमेंट के संग, तो उस बेसिस पे इसको कहा गया कि कौन सी रीप और एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और एमएसएमई की जो वैल्यू चेन्स है उसको किस तरह से हम डिस्ट्रिक्ट में कर सकते हैं जिससे कि वो एक्सपेंड हो। इंसिडेंटली कमर्शियल डेयरी इज स्ट्रॉन्ग इन उधम सिंह नगर, राइट सर, एक एक दो तो बैकयार्ड है, राइट सर, तो इसको आप रीलुक करिए, और फिशरी हरिद्वार में बहुत स्ट्रॉन्ग है, कल फिशरी वाले बता रहे, राइट सर, है फिशरी चमोली के लिए फोकस किया गया है इंस्टेड ऑफ हरिद्वार। मैं एक बात कह रहा हूँ, जो गया है पूरा वो चमोली के लिए है फिशरीज, उसमें वहां के लिए आइडेंटिफाई किया गया है, तो ऐसी चंपावत के लिए अलग है, अल्मोड़ा के लिए अलग चीजें हैं, तो वो हर एक डिपार्टमेंट वाइज है, लेकिन जो स्टडी और उस बेसिस पे है तो इस मैट्रिक्स को तैयार किया, इसको हम रिफाइन करेंगे जब स्टडी होगी वैल्यू चेन की पूरा, तब ये नए क्लस्टर उस बेसिस पे बनेंगे, क्योंकि ये प्रोजेक्ट डिजाइन करते हैं और उसके बाद जो लाइन डिपार्टमेंट का तो ये निकल के आया था, तो उस बेसिस पे अभी लास्ट दो तीन महीने में जो मीटिंग्स हुई है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के संग उस बेसिस पे है। ऐसा भी नहीं है कि इसमें से सारी चीज हर एक डिस्ट्रिक्ट में होती है, थोड़ी थोड़ी सब जगह होती है, सब जगह होती है, लेकिन उस बेसिस में इसको ना आप ऐसा करिए, सर सर
So, इसको ना आपने पता है क्या किया है, जो लाइन डिपार्टमेंट ने कुछ डाटा दिया, आप इसको मार्केटिंग वालों के साथ कस्टमर्स के साथ बैठ के देखिए, दिस रिक्वायर्स अ सीरियस रीलुक अक्रॉस वेरियस वैल्यू चेन. राइट सर वही करना है. तो क्योंकि आगे बढ़िए. ठीक है सर. हाँ, दिस नीड्स टोटल रिविजन. राइट सर. थैंक यू. नेक्स्ट प्लीज. थैंक यू. विद प्रोडक्टिव पार्टनरशिप हम लोग. थैंक यू. तो मैं जान सर से रिक्वेस्ट करूंगा. आई विल बी वेरी ब्रीफ इन दिस. आई विल बी वेरी ब्रीफ एंड गिव यू वन और टू पॉइंट्स. इसमें क्या है, हमने कई चीज बड़ी रेपिटेटिव कर दी है. राइट. और मेरा ख्याल तो अब वर्ड वैल्यू चेन अगले दो दिन के लिए बैन हो जाना चाहिए. हम थक गए हैं सुन सुन के वैल्यू चेन जो है ना. तो जो पार्टनरशिप्स को हम बड़ा इससे इंटिमिडेट नहीं होना चाहिए, इसको डीमिस्टिफाई करें. अब कैसे करना है, हम सबको पता है तीन दिन से बात हो रहे हैं. और यू शुड मेक अ लिस्ट ऑफ स्टार्टअप्स नॉट ओनली इन उत्तराखंड, इन द नियर बाई स्टेट्स. क्या होता है, स्टार्टअप के साथ ट्रांजैक्शन इज इजियर. जितनी बड़ी कंपनी है ना, वो भी सरकार की तरह ब्यूरोक्रेटिक होती है, प्रोसीजर ड्रिवन होती है. तो अगर आप ITC चले जाएंगे ना कलकत्ता में, वहां पे एक उनका गेट पास बनेगा, आपको 15-20 मिनट तो उसी में लग जाएंगे. सो देयर इज नाउ डाटा अवेलेबल ऑन ऑल द स्टार्टअप्स. डोंट लुक एट उत्तराखंड, लुक एट नेबरिंग स्टेट्स ऑल्सो. देन स्कैन दोज लिस्ट ऑफ स्टार्टअप्स, सी विच आर रिलेटेड टू आवर प्रोडक्ट्स. देन रीच आउट टू देम. हम क्या सोचते हैं कि हमने एक राउंड टेबल कर दी, इन्वेस्टर मीट कर दी. I have also participated in many investor meets. We say so many lakh crores MOU signed. Actually, what materializes is not even 5% in the best of states. So, the best way to reach out is that you people fix a meeting with them. Aapki need hai, hamari need hai, ki wo idhar aaye. Hame wo nahi sochna ki ji usne dhanda lagana hai, wo hamare office aaye, appointment le. You have to start communicating that we have certain opportunities, then have go and have a face-to-face meeting. Explain what is there, send an invitation, show them what is there at the ground level. अगर हम सोचते हैं कि हम MOU sign कर देंगे, मैंने भी बहुत sign किए हैं जब मैं industry में था. वो क्या होता है, वो targets fill करने के लिए हो जाता है, वो materialize नहीं होता. So do that. Then second is, we are emphasizing in productive partnerships on the back end CBO. We are talking productive partnership means linking front end and back end, and try not to have too many players. Usme hum keh rahe hain na logistics trucks wala, this lady, that. In a productive partnership there are two kinds of arrangements. One is formal, which means a producer cum processor, or producer cum processor, or a processor cum buyer. The others are service providers. Don't try to bring them into formal arrangements ki hum truck ka bhi wo tay kar denge, hum ye bhi kar denge, cold store ka bhi bhada tay karenge, usko bhi partner banayenge. So others are service providers who are giving services to many industries and businesses. So try to do that. Now time for general talk is over. REAP is launched. So you should start setting up targets that this month our team, and team means you, marketing, everyone, it has to be a multi-member team, to go and start talking to people. Start with Dehradun, start with the Uttarakhand, go up to Delhi. Isse kya hai ke jo main aaj bol raha hu na, you will be advising us if hard in the next meeting, if you go and meet people, because you will get the real picture. Right. Sitting here we are talking nice words. तो आप शुरू कर लीजिए, मेरा तो आपसे यही रिक्वेस्ट है. दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. थैंक यू वेरी मच. आई थिंक यू नो फ्रॉम इम्प्लीमेंटेशन पर्सपेक्टिव हम लोग दो तरफ का पार्टनरशिप देखना चाहिए. एक पार्टनरशिप ऐसा होता है कि पार्टनर आएगा और अपने कम्युनिटी के साथ काम करेगा, और वो पार्टनर प्रोजेक्ट से कुछ नहीं पूछता है. हमें प्रोजेक्ट से पैसा नहीं चाहिए, हम कम्युनिटी के साथ काम करेंगे, और वो उनका बिजनेस मॉडल रहता है. वो एक टाइप का पार्टनरशिप है.
आपका केवीके होगा, कोई एग्रीगेटर आके आपका प्रोड्यूस लेके जाएगा, वो सब प्रोजेक्ट से कुछ नहीं पूछते हैं, है ना। ये पार्टनरशिप डेवलप करना बहुत आसान है क्योंकि इफाड का प्रोक्योरमेंट का नॉर्म्स वो ये सब लागू नहीं होता है ये पार्टनरशिप के लिए। दूसरा पार्टनर ये होता है कि वो आके आपके साथ काम, सॉरी फर्स्ट पार्टनर ये भी बोल सकता है कि आप लोग अपने प्रोड्यूसर के साथ इन्वेस्ट करो, मेरे लिए कुछ ना दो लेकिन प्रोड्यूसर के साथ कुछ इन्वेस्ट करो, वो भी बोल सकता है। वो पार्टनर के साथ काम करना आसान है क्योंकि वो आपका प्रोक्योरमेंट नॉर्म्स लागू नहीं होता है। दूसरा ये पार्टनर होता है कि आके कम्युनिटी के साथ काम करेगा लेकिन उनके काम के लिए आप पैसा देना पड़ेगा, वो एक टाइप का पार्टनर होता है। लेकिन ऐसा पार्टनर को एंगेज करते टाइम आपका प्रोक्योरमेंट का मामला चालू होता है। ये दो टाइप का पार्टनर को आप लोग एक डायरेक्टरी बनाना चाहिए आपका स्टडी में, मार्केटिंग कुछ स्टडी बताया ना आपने, मार्केटिंग के स्टडी, उसमें स्टडी मत बनाओ उसको, उसको ये पार्टनर डिफरेंट टाइप पार्टनर, वो पार्टनर का एड्रेस क्या है, वो क्या उसका सीईओ, उसका मेन कॉन्टेक्ट पर्सन कौन है और ये किस चीज में काम करने के लिए तैयार है, उतना काफी है। सो उसके बाद आप लोग ये फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं लेने वाला पार्टनर के साथ नॉर्मल एमओयू करके उनके साथ काम कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ये सोचना चाहिए कि बाकी पैसा पूछने वाले पार्टनर उनसे कैसे एंगेज करना, वो बाद में डिसाइड करना चाहिए। और आपको फर्स्ट कैटेगरी में बहुत लोग मिल जाएंगे। मेरा एक सवाल था, मुझे पता नहीं एंड टाइम पे कॉल आ गया तो बाहर जाना पड़ा, कि संजय आपने बोला कि फार्मर्स कांट बी अ बिजनेसमैन, तो ऐसा आप क्यों कहते हैं? एंड आर वी स्टिल लिविंग विद द इमेज ऑफ अ फार्मर एज एन अन्नदाता काइंड ऑफ थिंग व्हिच डजंट बेनिफिट द फार्मर्स इन आवर व्यू, तो व्हाई डिड यू से दिस कि वो बिजनेसमैन नहीं हो सकते? मैं ऐसा है कि बिजनेसमैन का अगर आप पूरा वो देखें कि बिजनेसमैन की एक्टिविटीज क्या क्या है, फार्मर्स की क्या क्या है, लेकिन लॉन्ग चेन है उसमें एक्टिविटीज में, सिर्फ प्रोडक्शन टू मार्केट में, और जो बिजनेसमैन का पार्ट आता है वो मार्केट के बियॉन्ड आता है, जो जो बात सोच रहे हैं कि बिजनेसमैन क्या काम करना है कि वो डिफरेंट चीज लोगों से इंटरेक्ट करके जोड़ के बना रहा है, बिजनेस कर रहा है, उनको ट्रेडिंग कर रहा है, उसको फिर अपना सेटअप करके उसको आगे बढ़ा रहा है। और जो हम काम कर रहे हैं फार्मर्स के साथ, उसको उस लेवल पे नहीं, उसको लिंक कर रहे हैं सीबीओज और एफपीओ से, कि केवल वो उसने अपना प्रोडक्शन तक, इनहांसमेंट तक, उस तक सीमित रहे, केवल उसको फोकस करके क्वालिटी का प्रोड्यूस करे, उसी पे करे, बाकी काम उस सेकंड लाइन अलग है जो उस बिजनेस को आगे ले जाए। नहीं बट थोड़ा सा मतलब यहाँ ये तो एक्सपर्ट बैठे हैं वो आपको बताएंगे, पर जो मेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो वी शुड थिंक दैट फार्मर्स शुड हैव अ बिजनेस ऑरिएंटेशन, वरना तो वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग और वही अपनी जरूरतों को पूरा करने वाला नंबर वन है। नंबर टू क्या होता है कि फार्मर्स भी ग्रेजुएट करते हैं ना, तो जैसे औरतें एकदम सब्सिस्टेंस लिविंग से, कंजम्पशन नीड से, कमर्शियल नीड्स के लिए बोरो करके देन दे बिकम एंटरप्रेन्योर्स, तो ऐसा फार्मर्स भी बन सकते हैं, कहीं रोक थोड़ी है। अगर कोई फार्मर कुछ सालों तक मार्केट प्लेयर से डील करता है और देखता है कि वो मार्केट प्लेयर क्या कर रहा है, किस तरह से एग्रीगेट कर रहा है, टुमारो अ फार्मर कैन बिकम एन एग्रीगेटर एंड अ यू नो सप्लायर टू द मार्केट, और कैन इवन बिकम मूव टू द नेक्स्ट लेवल कि वो ट्रेडिंग शुरू करे और उन लोगों से बाकी फार्मर्स को जो एफपीओ वाला या एफपीसी वाली जो सोच है उसमें। तो मेरा बस ये कहना है कि वी शुड नॉट बिगिन बाय सेइंग कि फार्मर्स कैन नॉट बी बिजनेस, बिगिन ही मैम, हम वो सोचे ही ना, मतलब I would suggest you drop that point because farmers can, मतलब ऐसा नहीं है कि उनमें से कोई निकल के एक दिन ये ना सोचे कि why don't I set up my own production unit and start selling to the market,
कर सकते हैं ऐसे, मतलब दे कैन ग्रेजुएट टू दैट लेवल आल्सो एंड व्हाई रिपोर्ट अस स्टॉप थोड़ा सा मैं भी कहना चाहूँगा, जब हम ये एग्रीकल्चर में फार्मिंग की बात की, इनको एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हैं, एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि भाई एक छोटे से छोटे व्यक्ति को भी बिजनेसमैन कह रहे हैं। अगर एक आदमी चाय की दुकान चला रहा है वहाँ उसको बिजनेसमैन कह रहे हैं, एक ठेली वाला अगर फल की सब्जी भी लगा रहा है वो भी अपने आप में बिजनेसमैन है, ठेली पर अपने पैसे के दाम तय कर रहा है, सब चीज़ कर रहे हैं। और एक फार्मर चाहे वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग कर रहा है, हम उसको बिजनेसमैन यूँ नहीं कह रहे हैं क्योंकि उसकी अपनी कोई से नहीं है, उसकी गिव एंड टेक वाली पोजीशन नहीं है, वो अपने फसल के दाम तय नहीं कर पा रहे, सिर्फ इसलिए नहीं कर पा रहे उसको। वरना अगर एग्रीकल्चर का देखा जाए तो पूरे लाइफ की लाइफ लाइन ही एग्रीकल्चर है पूरे इंडस्ट्री के लिए, तो जरूरत है कि एग्रीकल्चर को इंडस्ट्री के रूप में देखने के लिए। अगर हम एग्रीकल्चर को भी एक इंडस्ट्री के रूप में देखेंगे तो हम उस फार्मर को भी एज ए बिजनेसमैन ही देखेंगे और उसी नजर से देखेंगे, उसी से सोचेंगे। पहले मेरे को ऐसा लग रहा है वो थोड़ा वर्ड का चॉइस ऑफ वर्ड है, बिजनेसमैन उन्होंने कर लिया, वो ट्रेडर कहना चाहते हैं जो आगे का, क्योंकि उनकी बात से लग रहा था जो माल बेचना है शहर में वो ट्रेडिंग है, उसको वाइबल तो वो बिजनेस, थोड़ा सा चॉइस ऑफ वर्ड्स का ट्रेड लग रहा है क्योंकि उनका भाव मैं समझ गया जो कहना चाह रहे थे। जैसे कि अगर हमारे जो ग्रोअर्स हैं, एपिल ग्रोअर्स हैं या पोटेटो ग्रोअर्स हैं, एपिल ग्रोअर्स हैं वो सेब उत्पादक भी हैं, वो उसकी ग्रेडिंग भी कर रहा है और वो एपिल जो ग्रेडिंग मशीन से उसको पैकेजिंग मटेरियल उपलब्ध खरीद के और उसको पैक करके और डिफरेंट बायर्स को बेच रहा है, तो वो किसान भी है, वो बिजनेसमैन भी है। तो ऐसे बहुत सारे किसान हैं, हमें उसी श्रेणी में दूसरे किसानों को भी ले जाना है ये सोच। अब जैसे एज एन एंटरप्रेन्योर हमें उसको एंटरप्रेन्योर बनाना है, हम एंटरप्राइज डेवलपमेंट में काम करने जा रहे हैं, तो हमारी सोच तो ये रहनी चाहिए कि हम बड़ा बिजनेसमैन नहीं है लेकिन वो कहीं ना कहीं बिजनेसमैन तो बन ही आ रहा है ना, उत्पादन भी कर रहा है, ग्रेडिंग भी कर रहा, सोर्टिंग भी कर रहा और वैल्यू एडिशन भी कर रहा, बेच रहा। ठीक है, कुछ चलिए और बताइए। स्मार्ट बिजनेसमैन वो होता है जिसको पता हो कि ये मेरी कैपेबिलिटी है, ये मैं कर सकता हूँ और दूसरा काम भी मैं कर सकता हूँ, बट अगर इसमें मैं ज्यादा टाइम लगाऊंगा तो मेरी प्रोडक्टिविटी लो होगी, तो उसको डेलीगेट कर सकते हैं। अगर हम सोचें कि फार्मर प्रोड्यूस भी करेगा, एग्रीगेट भी करेगा, सेल भी करेगा, डिपेंडिंग वो फार्मर की अपनी कैपेबिलिटी होगी। फॉर एग्जाम्पल दे कैन बी अ जॉइंट फैमिली, उसके बहुत सारे बच्चे होंगे, तो वो ये चीज सोच सकता है कि मैं प्रोडक्शन भी कर सकता हूँ, एग्रीगेशन कर सकता हूँ, सेल कर सकता हूँ। बट अगर एक इंडिविजुअल फार्मर होगा शायद वो हर चीज नहीं कर पाएगा। सो इट्स जस्ट दैट फॉर एंटरप्रेन्योर स्किल इज ऑल अबाउट दैट हैविंग दैट डॉक्यूमेंट दैट टू रियलाइज दैट ओके दिस इज समथिंग व्हिच आई डू ऑन माय ओन, दिस विल रीप मोर प्रोडक्टिविटी एंड दिस टास्क शुड बी डेलीगेटेड व्हिच विल गिव मी मोर एफिशिएंसी इन प्रोडक्टिविटी। सो दिस इज द वो सोल डिपेंडेंट है, उसमें कई लोग भी आए मिले नहीं। हाँ, नहीं वही क्लैरिटी कि जो ज्यादा लोग मिले आप कह तो रहे वो एक सस्टेन और स्टैंडर्ड कर जाएगा, क्योंकि वो मैसेजिंग कहीं ऐसा ना हो जाए कि लोग सोचने लगे कि अच्छा फार्मर का काम सिर्फ प्रोडक्शन, एंड मूविंग अप द वैल्यू चेन इज आल्सो वेरी वेरी पॉसिबल। हो सकता है आज उसका मेन काम प्रोडक्शन का हो, कल वो एग्रीगेशन को मूव कर जाए, इसको डेलीगेट कर। आई थिंक व्हाट यू वांटेड टू से बेसिकली वाज कि in any value chain promotion अलग अलग partners का अलग अलग role होता है। yes. तो farmers को आपने सिर्फ production में दिखाया, बस मेरा उसमें थोड़ा ये था कि farmers can also move from this role to this role, है ना? And also farmers need to run their farming as a business, as a right? So वो main motto वही है कि farmers को जो farming करता है उसको commercial business farming में convert करना है, ये नहीं है कि केवल वो कर रहा है, उसको market के लिए करना ही करना है farming। जब वो उसको फोकस होके करेगा, उसमें ज्यादा टाइम लगाएगा, ज्यादा करेगा तभी निकाल पाएगा वो आपका ना। अब वो पहले सोचेगा सर क्या होगा कि मुझे उगाना भी है, मुझे सोर्टिंग क्रेडिट भी करनी है, मुझे मार्केट में टाइम से पहुंचाना भी है, मार्केट में बायर भी तो चला जाएगा, मिलेगा नहीं मुझे पैसे। ये पॉइंट ललित का पॉइंट, फार्मर्स प्राइस नहीं डिटरमाइन करते हैं लेकिन ये वैल्यू चेन के अंतर्गत ये पॉसिबल है कि उनको प्राइस पहले से पता चले कि ये प्राइस में हम प्रोड्यूस करना है, प्राइस नहीं फिक्स कर सकते लेकिन उनको पता चलना चाहिए कि ये प्राइस मिलेगा मुझे,
ये हम लोग रेगुलर प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे तो वो डिटरमाइन नहीं होता हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट के लिए हमारा कंपैरेटिव एडवांटेज नहीं है। नहीं तो इस तरह का एक मॉडल मैं आपको सब बताऊं, अभी आज से पांच साल पहले मैं हरिद्वार पहुंचा था, आज से भी पांच साल पहले मैं हरिद्वार पहुंचा था, तो एक खानपुर ब्लॉक है, बहुत बैकवर्ड ब्लॉक है, उसके गंगा किनारे गांव था, वहां पे मैं कुछ वहां पे मैं पोस्टर था, मैं हाउसेस देखने गया था, वहां के प्रधान मुझे अपने घर ले गए, तो वो घर ऐसा लग रहा था जैसे कि ताजमहल जैसा, मतलब इतना ग्रांड बना हुआ है ऐसा, मतलब वैसे लग रहा था कि वाइट मार्बल बहुत ही, क्योंकि बाढ़ वाला क्षेत्र है वो, तो उन्होंने करीब 10 फीट हाइट पे ऐसे जैसे ताजमहल का प्लेटफॉर्म है ऐसे किया, उसको घर को बनाया, तो उनके बेटे आए मेरे लिए पानी वानी लेके, तो नमस्कार किया, मैंने पूछा आप लोग क्या करते हैं, पढ़ते कर रहे कि वो हरिद्वार की भाषा में बोला कि बाबूजी बस पढ़े लिखे तो नहीं है, लेकिन हम भी 25 से ज़्यादा कंट्री घूम चुके हैं, तो मैंने कहा कि आप क्या करते हो, तो उन्होंने बताया कि वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराते हैं, बासमती की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराते हैं, और तो इंडिया के टॉप जो 6 ब्रांड हैं, लाल किला बासमती, इंडिया गेट बासमती, कोहिनूर बासमती और तावा बासमती ऐसे करके, वो उससे उनका कॉन्ट्रैक्ट है, वो क्या करते हैं कि उनको किसानों को जो उगवा के बासमती और वो इकट्ठा करा के और उन ग्रुप्स को जो एक्सपोर्टर है उन तक पहुंचा देते हैं, तो कुछ इस तरह की पार्टनरशिप हमें वहां करनी पड़ेगी कि हम वहां भी इस तरह करा के, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग उन्होंने बताया तो किसान को बताना पड़ता है कि आपका जो बासमती 1000 रुपये खरीद रहा है यहाँ लोकल में आरती, हम आपको 1500 रुपये में बिकवा देंगे, तब वो एग्री होगा कि हाँ मैं ये वाले शेरपुर है शायद, उस समय हम लोग गए थे, उस समय स्वाति में हम चिड़ी होती मैम आप ज्वाइन मजिस्ट्रेट, तो वहां भी उन्होंने तो एफपीओ बनाया है, वो गुड़ ऑर्गेनिक गुड़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं, आसपास के 250 किसान और सरसों का तेल और बासमती, और उन्होंने ई कॉमर्स से उसको जोड़ दिया है, जब गुड़ 20 रुपए किलो था तो उनका गुड़ 80 रुपए किलो सारा वो ऑनलाइन जो है वो, तो मैं पूछ रहा था कहाँ जा रहा था, हमारा गुड़ तो सारा यूएस जा रहा है, जबकि लोकल मंडी में उनका नारसन करके बहुत बड़ी मंडी है गुड़ की, वो वहां नहीं भेज देते, और वो क्वालिटी जो था सर एक इशू था, तो मैंने कहा कि क्वालिटी ब्रांडिंग पैकिंग इतनी बढ़िया हो जाए, क्वालिटी से कर कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, वो क्वालिटी पे उनका होता, कहते थे कि सर अगर हमें 80 100 क्विंटल की डिमांड है और हमारे पास 80 क्विंटल गुड़ है तो हम 80 ही दे के हम सॉरी बोल देते, क्या हमारे पास गुड़ नहीं है, नहीं कि हम मंडी से खरीदा है 20 क्विंटल और अपना ब्रांड लगाया और पियोखा और उसको बेच दिया, नहीं 80 ही देंगे, तो यहाँ इन लोगों से वो किया जा सकता जो लोग कर रहे हैं, उनको मतलब सर जैसे फार्मर टू फार्मर होता है उनको विजिट करा सकते हैं, और ये इन्फॉर्मेशन संजय आप लोग जो सीडीओस आए थे उनसे भी मांग सकते हैं, डीएमएम से भी मांग सकते हैं और लोगों से भी, क्योंकि हम लोग अक्सर क्या होता है कि हम सोचते हैं कि बायर कोई बाहरी का होगा, है ना, समटाइम्स दीज आर एग्रीगेटर्स हु हैव ऑलरेडी अ वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड लिंक विद द बायर, सो व्हाई नॉट बिकम अ पार्ट ऑफ इट, अगर वो आपको इंक्रीमेंटल वो इनकम्स आपका बढ़ा रहे, और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे within, हम लोग बाहर तो देखे हैं पार्टनरशिप बट हम within the state इस तरह के, और ये ना बड़े फॉर्मल उस टाइप के नहीं है कि कोई बड़ा नाम लेकर के आ रहे हैं, दे आर प्राइमरली एग्रीगेटर्स, सो यू विल हैव टू फाइंड अ वे टू आइडेंटिफाई देम, राइट। एक प्रश्न अभी समझ कर दूंगा जो सर की बात थी, उन्होंने कहा कि जो बड़े बिजनेस हाउसेस हैं वो भी ब्यूरोक्रेटी उसमें जन्म जाए, हम लोग को एक बार ऑर्डर मिला था कि आप लोग पतंजलि ग्रुप जो है उसके साथ बात करिए, अपने जो हमारे फार्मर्स के जो प्रोड्यूसर्स हैं पतंजलि खरीदे, तो उसमें सारे विभागों के लोग थे, उसमें सुंदरम सर और रणवीर सिंह सर आए थे, वो देख रहे थे कृषि और वो
काफी लंबी बातचीत हुई, मतलब मैं कमरे की बात में बाहर नहीं करना चाह रहा था, लेकिन कुल मिलाकर 3 घंटे बातचीत हुई और बहुत बातचीत हुई। और वो लास्ट में हुआ कि वो हर चीज पूछते थे कि आप हमें ये क्या रेट दोगे, हम लोग कहते थे हम 60 रुपए किलो आपको अपने फार्मर देंगे, वो कहते थे चाइना में तो हमें 50 रुपए किलो मिल रहा है, हम आपका प्रोड्यूस क्यों नहीं। और 3 घंटे की बातचीत के बाद भी करीब 10 उसमें आईएएस अफसर थे, सारे डिपार्टमेंट के डायरेक्टर थे, हॉटी डायरेक्टर थे, और पतंजलि एग्री नहीं हुआ। तो जो सर आप कहते हैं कि बहुत बड़े ब्रांड से भी हम लोग वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका इतना बल्क में है, और वो उन्होंने दूध के लिए बात की थी कि आप कितना दूध दे पाओगे, तो बोले हमने कहा 10,000 लीटर दे पाएंगे, कि हमारा तो 1 लाख प्लांट ही जो है उसको 1 लाख लीटर चाहिए, जो हम मसूला बना रहे हमसे आपका नहीं हो पाएगा। छोटे 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 ब्रांड में उनको उनसे बात करनी पड़ेगी, जैसे आयुर एयरपोर्ट वाले जो हर्बल में काम कर रहा है वो लोकली हर्ब्स खरीद रहा है, लेकिन हम हिंदुस्तान लेवल में जाएंगे तब नहीं हो पाएगा। और वो दे आल्सो गिव अ बेटर शेयर टू द फार्मर्स एज अपोज टू द लार्जर वन, बिकॉज उनका इतना सप्लाई चेन में इतने पॉइंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट हो जाते हैं कि फार्मर को बस एक ही फायदा होता है कि डोर स्टेप कलेक्शन हो रहा है और पैसा टाइमली आ जा रहा है, व्हिच आल्सो सम फार्मर्स मे विश टू डू इट, मतलब उसमें कोई रोक नहीं है। मैं आपकी बात से बता रही हूँ कि पतंजलि वालों ने मुझे एक बार बताया था कि नागपुर में उन्होंने जूसिंग प्लांट लगाया एंड उनके रिक्वायरमेंट नागपुर में महाराष्ट्र के ऑरेंजेस से नहीं पूरे हो रहे, दे हैड टू गेट ऑरेंजेस फ्रॉम कर्नाटक आंध्र एंड ऑल दैट, क्योंकि वे नागपुर इज द हब ऑफ ऑरेंज प्रोडक्शन, उनका रिक्वायरमेंट बहुत हाई है। तो मैम जो रिक्वायरमेंट का जो प्लांट है उसमें वो आंवला रस आंवला जूस बनाते हैं, तो आई सॉ दैट प्लांट उसमें राउंड द ईयर राउंड द ईयर इट इज रनिंग, द प्लांट इज रनिंग। वो एक और मॉडल में मैं बहुत ज्यादा बिजनेस तो नहीं जानता हूं, उससे वो खा के वो पतंजलि की जो फूड प्रोसेसिंग प्लांट वो वहाँ ले जा रहा है और वहाँ से फिर वो अपनी ब्रांडिंग और पैकेजिंग पतंजलि करता है, जबकि जो प्रोड्यूसर है वो मेरे यहाँ है खुद कहता है तो इस तरह का भी हम कई छोटा हब बना सकते हैं, जैसे कोई पहाड़ों में है। सर एक हमारे प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट में 2-3 टर्म्स यूज हुए हैं, तो मेरी हमारे एक्सपर्ट से प्लस सुगंध राम पे थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन का थोड़ा उसको समझा देंगे तो अच्छा रहेगा। तो पहला टर्म तो हमने यूज किया है प्रोजेक्ट की स्टेक होल्डर्स, और दूसरा टर्म हम सिर्फ कर रहे हैं इंटरनेशनल पार्टनर्स। हाँ तीनों चीज, वन इज स्टेक होल्डर, सेकेंड इज इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर्स एंड थर्ड इज इंस्टीट्यूशनल पार्टनर्स, दीज थ्री वर्ड्स यू कैन यूज इन द प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट। तो मेरी रिक्वेस्ट है चीजों को एक बार खेल लें या दो चीजें अगर क्लियर कर सके तो बहुत अच्छा। फर्स्ट सिंपल वाले लेके क्या है, स्टेकहोल्डर्स इंप्लीमेंटिंग पार्टनर्स कौन-कौन है इंप्लीमेंटिंग पार्टनर्स? वही है आपका वो डॉक्यूमेंट के मुताबिक इंप्लीमेंटिंग पार्टनर्स यूजीडीएस है, उपासक है, वो उनका वो डेफिनेशन उधर ही समाप्त होता है। आप सोचे कि आप सर्विस प्रोवाइडर भी इंप्लीमेंटेशन पार्टनर ही है, वो भी इंप्लीमेंटिंग पार्टनर्स है, लेकिन फॉर ऑल practical purposes as per the definition given in the project financing agreement ye teen mein implementing agencies partners hain, theek hai wo ek ho gaya, stakeholders kaun hain? Sab log sab stakeholder hain, everybody sab log stakeholder hain, from the farmers till to your chief minister, end user also government, end user consumer jo hai consumer सब स्टेकहोल्डर हो गया। तीसरा ओके इंस्टीट्यूशनल पार्टनर्स,
कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस सो सब इंस्टीट्यूशंस कौन कौन अपने साथ काम कर सकता है वो सब इंस्टीट्यूशनल पार्टनर है सब इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम एसएनजी इज आल्सो एन इंस्टीट्यूशन वीओ सीएलएफ एलसी पीजी और नाइन डिपार्टमेंट्स और इनोवेटिव पार्टनर्स नहीं बाकी वो मार्केट लिंकेज पार्टनर वो सब रिसर्च इंस्टीट्यूशन और ये नाम जो है ये आइडेंटिफाई सॉल्यूशंस को आप ही नो आइडेंटिफाई किया हमने नहीं किया नहीं और आई मीन आई थिंक द वन थिंग आई लाइक जो संजय के प्रेजेंटेशन में था कि उन्होंने वो एरियाज ऑफ पार्टनरशिप डिफाइन कर दिए आई थिंक दैट इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट कि हम किस किस चीजों के लिए हम वो कर रहे हैं बाकी अंग्रेजी है माई पॉइंट ऑफ व्यू बेसिकली स्टेकहोल्डर आई थिंक अक्रॉस द प्रोजेक्ट अक्रॉस द जिसका भी स्टेक है वो स्टेकहोल्डर है स्टेक ऑफ दैट आर सी बट यू थिंक द कंपोनेंट दैट ऑन दी आर सर्चिंग फॉर सम वर्क टू पार्टनरशिप विद व्हाई आर यू सर्चिंग अप्रोच से कंपोनेंट के लिए किसी काम के लिए हम आप क्या जो जिसका स्टेक है वो स्टेकहोल्डर हो गया वो पार्टनरशिप के लिए हम लोग क्या बताया ना दो तरफ के पार्टनरशिप एक बिना पैसा के आपके साथ काम करेगा वो एक टाइप का पार्टनर वो बोलेगा समटाइम्स बोलेगा कि वो अपना फार्मर्स बेनिफिशियरीज उनको उन पर इन्वेस्टमेंट करो लेकिन हम ऐसे ही आ सकते हैं लेकिन दूसरा पार्टनर बोलता है कि हमें पैसा दे दो और उनको भी पैसा दे दो हम लोग काम करेंगे वो भी जो आप लोगों ने शुरू में बोला जिसमें दोनों का फायदा हो रहा है ना तो वो पार्टनर्स है सर्विस प्रोवाइडर्स विल प्रोवाइड यू सर्विसेज इन रिटर्न फॉर द फाइनेंस हमारा जैसे कंपटीशन है और कोई प्रोड्यूस वो कर रहा है और उसको हमें मतलब मिनी कलेक्शन सेंटर से प्रेजेंटेशन सेंटर तक या इंप्लीमेंट तक लेना तो उनके भी जो बच्चे हैं अगर उनको हम जैसे यूटिलिटी वैन या वो हम प्रोवाइड करें कि ट्रांसपोर्टर भी वो हो जाए उन्हीं के जो गरीब परिवार या ट्रक वगैरह हैं इस तरह का रख लिया जाए क्योंकि अभी मैंने ये देखा था हमारा बड़ी प्रॉब्लम उसमें बेसरो करके गाँव है उसमें हमारा टाटा ट्रस्ट पार्टनर है उसमें हमारा प्रोटीन का बहुत अच्छा काम होता है जो कोविड में उनके बच्चे लौटे थे तो उन्होंने अपनी माओ से पूछा था कि ये दाना कहाँ से लाते हो वो जो पी है पोल्ट्री का तो उन्होंने कोट दवा थे कोट दवा में कितने में आता है कि कुछ 1300 रुपये में छोड़ जाता है एक बैग तो उन बच्चों ने कहा कि ना हम ये काम शुरू कर दो उन्होंने जाके वो सब किया और अपने मार्केट को बनाया और उन्होंने ये कहा अपनी माओ से अपनी चाचियों से अपने गाँव वालों से कि हम आपको 1150 रुपये में ये दे दे तो अब क्या है कि वो जो फीड सप्लायर जो थे उन्हीं के बच्चे बन गए नहीं वो तो क्या है एक तरह से पार्टनर हो गए उनके वो तो लोकल लेवल पे ये डिसीजन जो लोग फील्ड में काम कर रहे हैं दे कैन टेक डिसीजन इस तरह से मूव कर ले कि पहले चार्टिंग उनको ही मिल जाए उनके परिवार को आई वुड बी वेरी वेरी फॉर मेकिंग सच अ लॉ बिकॉज़ क्या होता है कि इन जनरल आपका जहाँ जिनसे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है आप उन्हीं के थ्रू लोगों के पास जाते हैं तो नॉर्मली और नेचुरली वही होगा जो आप कह रहे हैं बट अगर हम उसको नियम बना देंगे तो वी विल नॉट बी एबल टू कंसिडर अदर्स और ऐसे भी तमाम होंगे जहाँ की एंगेजिंग टू मेनी पीपल फ्रॉम द सेम फैमिली माइट नॉट वर्क वेरी वेल फॉर फॉर द प्रोजेक्ट ये भी हो सकता है कई बट उसपे कोई रोक नहीं है और नॉर्मली वही होगा जो आप कह रहे हैं कि फैमिली के लोग पे इंपॉर्टेंट है ये बड़ा प्रोड्यूसर्स ऊपर रहेंगे
वो भी कपड़ा करना चाहिए एक टाइम पे। हम लोग प्रोडक्शन नहीं कर रहा था, वो सप्लाई जैसे होलसेलर पर करता है, और जो रिटेल वाला जो उसको 1300 का देता था वो तो 150 रुपए कम में लाभ मिल गया, और उन्होंने भी कमा लिया बच्चों ने। वो तो अच्छा है, प्रोडक्शन तो नहीं करता, वो बड़ी यूनिट होगी यूनिट होगा करेक्ट ठीक है सर। मैं जगह में प्रोडक्शन करते हैं वही लोग जो आपने गुड़ वाली बात की उसके मैंने विजिट किया था, डॉक्यूमेंट भी लिया था, जब ये गुड़ का जो चल रहा है और एक्सपोर्ट करते हैं वहां पर क्या है कि जो फार्मर्स हैं, जो बड़े बड़े फार्मर्स हैं जिनके पास लैंड बहुत ज्यादा है, वो मेनली फोकस ऑन प्रोडक्शन, गन्ने की अर्ली वैरायटी, मिड वैरायटी, लेट वैरायटी, उस पे फोकस है। और वो क्योंकि रिकवरी का भी बहुत बड़ा पार्ट होता है कि किस वाली वैरायटी में कौन सी कितनी रिकवरी है, 25 मिनट के बाद उसमें लैंड कम है वो है वो एग्रीगेटर प्लस, और जो वहां पर जो ये आपके प्रेसर्स होते हैं गन्ने के वो भी इन्वॉल्व है उसमें, क्योंकि एक प्रोसेसर वो भी इन्वॉल्व है। मेजोरिटी ऑफ फार्मर्स इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन कि कैसे हम प्रोडक्शन करके ऑर्गेनिकली उसको करें, सर्टिफिकेशन कैसे करवाएं, मेनली उसमें इन्वॉल्व। दूसरा जो फिशरीज की बात हो रही है और डिस्ट्रिक्ट और उसमें उधम सिंह नगर में क्या है कि और हरिद्वार की बात करें बहुत बड़े बड़े पॉन्ड्स हैं। हरिद्वार की बात करें हमारे नानकपत्ता में डैम है, भूलर भोज में डैम है, इधर डैम है, वहाँ भी फिश का प्रोडक्शन होता है। बाथरूम में देख लीजिए तो हेक्टेयर में पॉन्ड बना रखे हैं, बहुत बड़े बड़े हैचरी बना रखी है। लेकिन कंसिडरिंग अवर बेनिफिशरी जिनके साथ हम काम कर रहे हैं उनके पास इतने बड़े बड़े फार्म्स नहीं है ना, वो इतने लगा सकते हैं क्योंकि उनका लैंड का क्राइटेरिया है कि आप कितने तक कर सकते हैं काम। ये वैल्यू चेन का पार्ट तो हो सकते हैं बाद में जब एग्रीगेशन उसमें, लेकिन मेन चीज है जो हमारे बेनिफिशरीज हैं उनको ध्यान में रखते हुए उनका कंडीशन क्या है उस बेसिस पे वैल्यू चेन का भी एनालिसिस किया गया था, ना कि बड़े बड़े लोग, क्योंकि हमारे किसी फार्मर्स के पास जो बेनिफिशरी उसका एक हेक्टेयर डेढ़ हेक्टेयर डैम की बात नहीं, हरिद्वार में बड़े बड़े मैं कह रहा हूँ उनका ग्रुप है। कल मैम फिशरीज की मैम आई थी, वो बता रही थी कि फिशरीज की मैम आई थी वो गरिमा मैम, उन्होंने किधर बताया कि सर जो आपके बेनिफिशियरी है क्राइटेरिया जो हमारे बेनिफिशियरी है। हम लोग ये सोचना चाहिए कि अभी आप बसमती के बारे में बताए कि बसमती वो एरिया है प्रोड्यूस किसी जगह के कंपेयर में वही लोअर कॉस्ट में प्रोड्यूस कर सकते हैं, पंजाब हो किधर हो अच्छा बसमती वही कॉस्ट में उनको कंपेरेटिव एडवांटेज है उसमें। लेकिन हम हिल सेक्टर में आते हैं तो वही इधर नहीं कर सकते हैं, हम राइस उगा नहीं सकते हैं, राइस बहुत कम से नीचे से आ रहा है, और कोई हम लोग हल्दी पाउडर बना के बेच रहे हैं, हल्दी पाउडर इतना सस्ता है बाकी जगह में वो हम लोग ये करना चाहिए कि हमारा प्रोक्योरमेंट कितना ज्यादा है उसके ऊपर स्टडी करना चाहिए, वो हमारा ये ऑर्गेनिक हो सकता है क्या, तो हम लोग प्राइस बाकी लोग जगहों से ज्यादा लेके जा सकते हैं, नहीं तो हम हल्दी उगाते रहेंगे तो कोई फायदा नहीं है। और क्या क्रॉप्स हो सकता है नया क्रॉप्स, ये राइस वो ये वेजिटेबल उसके उसको छोड़ के और क्या हो सकता है। मैं इनसे बातचीत कर रहा था, हॉप इधर हो सकता है क्या, एग्जॉटिक वेजिटेबल्स हाँ वो भी हॉप कल्टीवेशन कर सकते हैं क्या।